साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शायद बताइए, मिड कैप स्पेस में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या हाल है वहां पर? गुड आफ्टरनून पूजा। तो सबसे पहले जो है मिड कैप स्पेस में पूरी तरह चौतरफा बिकवाली देखने मिली थी। हालांकि थोड़ी सी आईटी सेक्टर में जो है थोड़ी सी बाइंग ज़रूर देखने मिली थी। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो अभी भी ब्रॉडो मार्केट्स में 1:3 जो है आपके आपके बेयर्स के फेवर पे है। तो ये आंकड़ा जो है ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है पिछले 15 से 20 मिनट में ब्रॉड बेसिस पे, लेकिन थोड़ी सी जो ऑटो सेक्टर ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, रियल्टी ले लीजिए, यहाँ पर जो अभी भी जो है बिकवाली देखने मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशंस देखने मिल रहे हैं। अब गेनर्स की बात करते हैं, जो स्टॉक की जो लिस्ट है मिड कैप गेनर्स में, सबसे पहले आ जाता है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक में जो है लगभग 10% से ज़्यादा इंट्राडे बेसिस पे एक उछाल देखने मिला था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। अभी जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनकी जो दूसरी आम है, वहाँ पर भी 6% का जो है अपटेक देखने मिला है। एच ई जी में जो है आपके जो इलेक्ट्रोड प्राइसेज है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है, तो उसके कारण एक इम्पैक्ट आया है। एस्टर डी एम हेल्थ केयर में जो है डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेज ने अपग्रेड्स दिए हैं इनिशिएट के कवरेजेस। और आखिरी में GNFC है स्टॉक, जहाँ पे ऑलमोस्ट 52 वीक हाई जो है अपने स्टॉक को जो हिट किया हुआ है। तो ये चार आपके जो मिड कैप के